तो हमने अभी तक स्ट्रक्चर आइसोमर्स करा है एल्केन एल्किन एल्काइन आप एल्कोहल ले सकते हो ईथर ले सकते हो तो एल्कोहल लेते ही आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा नंबर का एग्जाम्पल चलेगा अब हमारा टेन नाइन्थ हो चुका है एल्कोहल की बात करते हैं एल्कोहल में कौन सा लेना चलोगे मेथेनॉल का कोई आइसोमर बनेगा नहीं एथेनॉल का बनेगा नहीं एथेनोल का बनेगा एथेनोल का, का फॉर्मूला क्या है सी टू एच फाइव ओ ओ एच तो एक तो हो जाएगा इसका ये और एक हो जाएगा ये इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं पक्का तो यहां हमारे टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे आपको टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे टू इसके अलावा आप सोच ही नहीं सकते क्योंकि हमें डी कितनी चाहिए जीरो और डी ओ यू बिन जीरो इसके अलावा पाईबॉन्ड और साइक्लिक तो बन ही नहीं सकते एलेवन सी थ्री एच सेवन ओ एच अब कितने एच बनेंगे देखते हैं हम ये हमारे पास है प्रोपेन ओ एच यहां पर आ सकता है ओ एच यहां आ सकता है और कुछ हो सकता है इसके साथ नहीं फिर हमारे पास ऐसा हो सकता है एक इधर बन जाएगा तो टोटल कितने होगा इसके कितने हो गए इसके तीन फिक्स है फिर एक और एग्जांपल ट्वेल्व सी सी फोर बिल्कुल आगे बोलो जल्दी से नाइन ओ एच ठीक है देखते हैं इसको कैसे करते हैं हमें चार कार्बन का तो ये बना लिया हमने ओ एच OH यहाँ आ सकता है ओ एच OH यहाँ आ सकता है फिर रिपीट होने लग जाएगा तो हम कार्बन चेन को छोटा कर देते हैं ये हो गया अब ओ एच OH यहाँ आ सकता है ओएच यहां आ सकता है कुछ कुछ समझ में आया ओ एच की पोजीशन, तो ये सारे हमारे लिए क्या हो गए अल्कोहल हो गए इधर अगर आप इससे छोटा कर सकते हो एल्किन को कर सकते हो क्या नहीं तो अब आप क्या लोगे ईथर का सारा लोगे ईथर कितनी है हमारे पास चार कार्बन चाहिए तो तीन एक तरफ रख दिए और एक तरफ एक एक दो तीन एक तीन को एक काम करो ऐसे कर लो ऐसे भी तो कर सकते हो आप तीन वाले को ऐसे बना दिया अब क्या करोगे आप दो दो ले लो बिल्कुल सही है इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते तो टोटल आइसोमर्स कितने बने सात सात में से कितने अल्कोहल हैं चार चार अल्कोहल है स्टीरियो अभी हम काउंट नहीं कर रहे चार स्ट्रक्चर और चार अल्कोहल वाले स्ट्रक्चर चार ईथर तीन ईथर हाँ तो टोटल कितने हुए सात इससे ज़्यादा आएगा नहीं क्योंकि आंसर दस से ज़्यादा जा रहा है तो एल्कोहल ख़त्म बोलो हाँ या ना तो ये हमारे पास एग्जाम्पल ट्वेल्व करो जल्दी जल्दी लिखते जाओ इनको